नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में वित्त, शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने जिले भ्रमण के दौरान बुधवार को एटीआई नैनीताल के सभागार में जिले के समस्त निकायों और प्राधिकरण के साथ ही शहरी विकास और आवास विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था, दवाई छिड़काव, यूजर्स चार्जर, संपत्ति कर, अमृत योजना, नाला सफाई, सौंदर्यीकरण के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मंत्री ने सरकार द्वारा गरीबों की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंत्री ने स्थानीय निकाय को मानसून काल को देखते हुए मैन पावर बढ़ाते हुए सभी नालों की सफाई व्यवस्था, फॉगिंग, कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव के अलावा अन्य कार्यों को समयबद्ध पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि बरसात के दौरान जल जनित रोग से कीटाणु ना पनप सके। वहीं बता दें, इसके बाद मंत्री ने उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी में राज्य शहरी विकास संस्थान केंद्र का शिलान्यास भी किया, क्योंकि शहरों में विशेषकर जो हमारा नैनीताल है, भवाली है या ये जितने भी निकाय, इसमें टूरिस्ट का भी बहुत ज्यादा आना भी रहता है। रात में खुद माल रोड और आसपास के रोड का निरीक्षण भी किया था, रात को, देर रात को मैं देख रहा था कि वास्तव में उतनी सफाई धरातल पे है भी कि नहीं है, उन नालों की सफाई है भी कि नहीं है, जो कूड़ादान है उसमें साफ किया भी जाता है कि नहीं किया जाता। तो ये सब फिजिकली भी हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कई जगह बहुत अच्छा भी है। सब बातों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कैंची धाम पे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहाँ चाहे पार्किंग का हो चाहे सारे मास्टर प्लान की बात हो, हम लोग विचार कर रहे हैं जल्दी वो धरातल पे होगा। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो हमारा एकल आयोग बना है ओबीसी मोर्चे का, ओबीसी आरक्षण के लिए, वो अपना अभी जगह जगह जाके अपनी बैठकें कर रहे हैं। वो रिपोर्ट जब आ जाएगी तो हम लोग पूरी तरह से, सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, समय पर हम लोग चुनाव कर सकें। मंत्री जी, देखिए, जो हमारी संपत्ति है निकाय की, उसके लिए एक निर्णय हुआ है कि जिलाधिकारी के माध्यम से उसका पूरी तरह से उसका सर्वे किया जाए, और साथ साथ हमारे कुछ निकायों में हम लोग ड्रोन सर्वे भी करा रहे हैं। ये बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद व्यक्तिगत रूप से किसका अपना मकान है, सरकार की कितनी भूमि है, कौन वहाँ अतिक्रमण किए हुए, सारी जानकारियाँ मिलेगी। उसके बाद फिर इसकी फर्दर कार्रवाई, तो खुद जानकारी लेके उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।